स्वागत है। आगे बढ़ते हैं, खबर मुंबई से है जहां मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक मामले में एक नया दावा हुआ है। आपको बता दें, आतंकी संगठन जैश उल हिंद ने इस मामले की जिम्मेदारी ली है, विस्फोटक से भरी गाड़ी पार करने की भी जिम्मेदारी ली है। तो आतंकी संगठन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी किया जिसमें उन्होंने बात कबूली कि विस्फोटक से भरी गाड़ी पार करने की जिम्मेदारी आतंकी संगठन लेता है। वहीं सोशल मीडिया पर ये पोस्ट जारी हुई थी। मुंबई पुलिस ने दावे की पुष्टि अब तक नहीं की है। तो आपको बता दें, बीते 25 फरवरी को मुकेश अंबानी के निवास स्थान एंटीलिया के बाहर संदिग्ध कार और 20 जेलेटिन की छड़ें मिली थीं। वहीं बुधवार रात 1 बजे के करीब एंटीलिया के बाहर स्कॉर्पियो खड़ी की गई थी। यहां 2 गाड़ियां देखी गईं जिसमें एक इनोवा कार भी शामिल थी। वहीं गाड़ी का ड्राइवर एसयूवी को यहीं पार्क करके चला गया था, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस जांच में जुटी हुई थी। इस खबर पर अपडेट के लिए हमारे साथ निशांत हमारे विशेष संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निशांत, आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो विस्फोटक पदार्थ मुकेश अंबानी के घर के सामने मिलना और फिर इसका संबंध सीधा आतंकियों से जुड़ा होना, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए शुभांगी, मैं आपको बता दूं कि ये जो कनेक्शन है, कनेक्शन की जो बात है, आतंकी कनेक्शन की बात, उसे मुंबई पुलिस ने अभी तक पुष्टि नहीं की है और मुंबई क्राइम ब्रांच ने भी कहा है कि ऐसे कोई संकेत नहीं है। लेकिन फिर भी एक सोशल मीडिया में एक पोस्ट आता है जैश उल हिंद के नाम से और वह जिम्मेदारी लेता है कि 25 फरवरी को जो मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन की रड से मिली थी गाड़ियों में, वो उनकी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी लेते हैं। और साथ ही वो दावा ये भी कर रहे हैं कि ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, रोक सको तो रोक लो, इस तरह की धमकी देते हैं। तो यही ये जैश उल हिंद संगठन पहली बार जब इसका नाम जो है इजराइल दूतावास पे के बाहर जो ब्लास्ट हुआ था अभी हाल ही में, तो उसमें आया था, उसमें भी इस तरह का ही एक मैसेज लिखा हुआ था कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, उसमें 5-6 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा था। तो कहीं ना कहीं अभी ये देखना होगा कि इसका क्या लिंक है, ये जांच एजेंसी अभी तय करेंगी। लेकिन इस मामले में अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि जैश उल हिंद का ही नाम है या फिर सोशल मीडिया पर किसी शरारती तत्व का हाथ है। बिल्कुल निशांत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा हमारे विशेष संवाददाता का कहना है कि अभी पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है और जैश उल हिंद नाम के एक संगठन ने इस पूरे विस्फोटक से भरी गाड़ी मामले की जिम्मेदारी ली है। तो देखना होगा किस तरह से जांच एजेंसी में क्या कुछ सामने आता है। जांच एजेंसी जो है लगातार जांच में जुटी है और इस संगठन ने टेलीग्राम ऐप के जरिए इस बात की जिम्मेदारी ली है। तो देखना होगा कि आगे क्या मोड़ लेता है ये पूरा मामला।